दोस्तों, एप्पल आईफोन्स भारत में असेंबल होने के बाद भी आईफोन्स की कीमत कम नहीं हुई। बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी कि भारत में आईफोन असेंबल हो रहे हैं तो इनकी कीमत कम हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 14 की बात करें तो ये अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया में लगभग 50,000 रुपए से भी ज्यादा का अंतर आपको दिख जाएगा आईफोन प्रो सीरीज में। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दोस्तों, एप्पल ने 7 सितंबर को आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की थी। इस सीरीज में कंपनी ने 4 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं जो अलग अलग प्राइस पॉइंट पर आते हैं। अगर आप आईफोन 14 सीरीज की कीमतों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अमेरिका के मुकाबले भारत में इनकी कीमत काफी ज्यादा है। अमेरिकी बाजार में तो नए आईफोन्स की कीमत बेहद कॉम्पिटिटिव है, पर भारत में ऐसा नहीं है। नए आईफोन ही नहीं बल्कि आईफोन SE 2022 जो भारत में अभी कुछ दिन पहले तक 43,900 रुपए में मिल रहा था, अमेरिका में लगभग 30,000 रुपए की कीमत में आता है। यानी इंडियन मार्केट से काफी कम में ये फोन अमेरिका में मिलता है। दोस्तों, हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 14 की अमेरिकी बाजार में कीमत $799 लगभग 63,700 रुपए से शुरू होती है। वहीं भारत में यह फोन 80,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है। यानी दोनों मार्केट में अंतर लगभग 16,000 रुपए से भी ज्यादा है। सवाल आता है कि ऐसा क्यों, आखिर क्यों भारत में आईफोन की कीमत इतनी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईफोन की असेंबली से कीमत कम नहीं होगी क्योंकि OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कंपोनेंट पर अभी भी काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है। अब दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी वो होता है जो अगर हम किसी दूसरे देश से कुछ भी मंगाते हैं तो हमें उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है प्लस GST। आईफोन में इस्तेमाल होने वाले PCBA यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी तरह से आईफोन चार्जर पर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा स्मार्टफोन पर 18% की GST लगती है, जिसके बाद आईफोन या एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट्स हो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा डॉलर और रुपया के बीच बढ़ती गैप भी आईफोन की कीमतों में इजाफा का जिम्मेदार है। यही वजह है कि भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स जापान और दुबई के मुकाबले काफी महंगे में मिलते हैं। हालांकि भारत एप्पल के लिए एक बड़ा मार्केट है, लेकिन जब तक यहाँ पर PCBA और दूसरे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक आईफोन के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब सवाल आता है कि क्या कभी भारत में सस्ता नहीं होगा आईफोन और एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स। वेल दोस्तों, आने वाले वक्त में हमें आईफोन सस्ते देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बात करें तो भारत में आईफोन 12 और 13 असेंबल किए जाते हैं। भारत में आईफोन पिछले कई साल से असेंबल हो रहा है, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही टाटा ग्रुप इसकी असेंबलिंग शुरू कर सकता है। टाटा ग्रुप और ताइवान की बिस्ट्रॉन कॉर्प के बीच इस मामले में बातचीत चल रही है। दोनों कंपनियां मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी शुरू कर सकती है। इस कंपनी के तहत भारत में टाटा और बिस्ट्रॉन मिलकर आईफोन की पूरी असेंबली करेंगे। दोस्तों, भारत में आईफोन की असेंबलिंग साल 2017 में शुरू हो गई थी। टाटा ग्रुप इंडिया में आईफोन की फुल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद आईफोन की कीमत काफी कम हो सकती है इंडियन मार्केट। हाल ही में लॉन्च हुए नए आईफोन 14 के मॉडल्स भारत में असेंबल हुए हैं जो कि मार्केट में आ चुके हैं। इस सीरीज में कंपनी ने 4 नए स्मार्टफोन आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने 14 सीरीज में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। डिजाइन, प्रोसेसर और कैमरा के मामले में ज्यादातर नई चीजें आपको आईफोन 14 प्रो सीरीज में ही देखने को मिलेगी। इस सीरीज में कंपनी 48 मेगापिक्सल का कैमरा, A16 बायोनिक चिप्स और नए डिस्प्ले दिया है। 7 सितंबर को हुए लॉन्च इवेंट में एप्पल ने नए आईफोन के साथ एप्पल वॉच सीरीज 8, SE और वॉच अल्ट्रा लॉन्च की है। इसके अलावा कंपनी ने एयरपोर्ट्स प्रो भी लॉन्च किए हैं जो नए फीचर्स के साथ आते हैं। आप जाकर आईफोन्स के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर्स या फिर अमेज़न पर खरीद सकते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आपको क्या लगता है कि टाटा के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद क्या आईफोन के रेट कम होंगे इंडियन मार्केट में या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।